अरे ये ले जल्दी जल्दी खा, इससे पहले लंबड़ को हमारे पकौड़ों की खुशबू आ जाए और वो इधर आ जाए। जल्दी से खा हमारे हिस्से में वरना कुछ नहीं आना। अरे ये अरफ के पकौड़ों की खुशबू किधर से आ रही है? अच्छा तो इधर से आ रही है अरफ के पकौड़ों की खुशबू। वाओ ये तो छुप कर पार्टी कर रहे हैं। इनको किसी ने बताया नहीं कि लंबड़ खाने के लिए सात समुंदर पार चला जाता है, यानी तुर्की चला जाता है डंकी लगाकर। अभी मैं जाता हूँ। अरे लंबड़ आ गया, जल्दी से इसको छुपा ले वरना हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। यार लंबड़ तो वाकई सूंघी है, अपने बेंच के नीचे पकोड़े रख दिए, वो तो सूंघ कर बता देगा पकोड़े बेंच के नीचे हैं। अरे तू टेंशन ना ले, उसको आने दे मैं कर लूंगा, तू चुपचाप बैठा रे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत दूर डेरा लगाया तुम दोनों ने, और ये इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे लंबड़ जब से हम इधर बैठे हुए हैं हमें भी ये खुशबू आ रही है, वो दूर जाकर देख वहाँ कुत्ता मरा हुआ है। अच्छा तो उधर कुत्ता मरा हुआ है? अरे लेकिन मुझे अभी भी अरफ के पकौड़ों की खुशबू आ रही है। अरे स्टॉप, बात सुन, मैंने तुझे पहले भी बोला था ना इस बेंच के नीचे पकौड़े ना रख, क्योंकि लंबड़ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। अरे लंबड़ पहले ये तो सोच, इतनी दूर हवेली में पकौड़े लेकर कौन आएगा? वो उधर कुत्ता मरा हुआ है, उसकी खुशबू आ रही है तुझे। अरे हाँ लंबड़, ये बच्चा सच बोल रहा है। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेरा नाक तो इधर ही कहीं की लोकेशन दे रहा है। ओह वाओ, मैंने इनको कहा भी था लंबड़ का टारगेट कभी मिस नहीं हुआ। वाओ कौन हो? अरे मैंने बोला था ना ये खाने पीने वाली चीजें मुझे तुर्की तक लेकर जा सकती हैं। और अब तुम दोनों बताओ ये अरफ के पकोड़े कहाँ से आए? अरे स्टॉप, बात सुन, मैंने तुझे पहले भी बोला था ना इस टेबल के नीचे पकोड़े मत रख। अरे छोड़ इस बात को, अब पकड़े तो वैसे भी गए हैं, चल मजाक में गेम डाल दे। अरे लंबड़े हम तो तुम्हें सरप्राइज देने लगे थे, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर खा सकते हैं अरफ के पकोड़े। कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, हमेशा मुझे सरप्राइज ही देते हैं। चलो मिलकर खाते हैं। चलो चलो चटनियाँ। वाओ फ्रेश फ्रेश पकौड़े। अच्छा लंबड़ खाने से पहले ये बता अपनी बाइक तूने कहाँ खिला रही है, क्योंकि आजकल इधर बहुत डकैती हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे तुम्हारे होते हुए किस चीज की टेंशन है मुझे, मैंने बाइक तुम्हारी हवेली के बिल्कुल बाहर खड़ी की है, तुम आराम से खाओ। अरे तुम ऐसा करो इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चलो ठीक है जल्दी आना। चल छोटे आ जा, वो हमारे पकोड़ों में हड्डी बना ना, हम उसकी जाके बाइक ही भेज देते हैं। चल 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 बैठ जा बैठ जा। सब कुछ खत्म कर दिया, एक घंटा हो गया अभी तक कौन ही रहे, लगता है घर चले गए हैं। ऐसा करता हूँ मैं भी घर चला जाता हूँ और घर में बैठकर चाय पी लूंगा। Oh no! अरे मेरी बाइक किधर गई? पकौड़ों के चक्कर में मेरी बाइक गई यार।